नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। अंचल की सेवाभावी सामाजिक संस्था महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की नगर इकाई के तत्वाधान में 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन समापन हुआ। यह पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता 5 वर्गों में बांटी गयी थी, जिसमे बोनसाई, मिनिएचर, ट्रे गार्डन, इंडोर प्लांट्स एवं वेस्ट से बेस्ट आदि थे। पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकेश कावड़िया, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिसु एवं विजय गोयल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के अध्यक्षता एवं अशोक अग्रवाल समाज सेवी एवं रमेश पहाड़िया वरिष्ठ पत्रकार, प्रहलाद अग्रवाल समाज सेवी के विशेष अतिथि में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र गदिया वरिष्ठ चिकित्सक थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय कोचर सभापति एवं जवाहर बाफना समाज सेवी थे। इस अवसर पर डॉक्टर गदिया ने कहा कि पेड़ का हमारे जीवन में काफी महत्व है। जो डॉक्टर पर्यावरण की कदर ना करे उसके पास इलाज के लिए ना जाए। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में काफी में बोनसाई में कौशल अग्रवाल, मिनिएचर ट्री एवं फूलों की प्रतियोगिता प्रथम, कल्पना पाखर द्वितीय, मधु बाफना रही, इंडोर मनोज जैन एवं संभव बाफना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लांट में नंदिता जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रदर्शनी में अक्टूबर के महीने में सीजनल फ्लावर जैसे पिटूनिया, पेंजी, डेंथस, देसी गेंदा, डहलिया, गुलाबरी लग जाता है तो गुलाब की भी अपनी बहार होती है। इंडोर प्लांट एरिका, पीस लिली, सिंघोनियम, एलोवेरा, कोलियस, इलायची, तुलसी, पुदीना, एलोवेरा का भी अपना आकर्षण था। कार्यक्रम को सफल बनाने में महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की नगर इकाई की अध्यक्ष श्रीमती अंजू पारक, कोषाध्यक्ष रूपाली अग्रवाल, पायल बाफना, सोनल बोथरा, मंजू बाफना, निशा सोनी, ममता भंसाली, ललिता अग्रवाल, सरला बाफना, राजकुमारी चौड़िया, खुशबू छाजेड़, संजू देवांगन सहित सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। हमारे साथ महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कोषाध्यक्ष रूपाली मैम है। पर जी मैम, बताइए आज जो पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है आप सबके संस्था के द्वारा, उसके बारे में बताएं। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सोचा नहीं था, ये पहली बार नगर में ऐसा कुछ आयोजन हो रहा है पुष्प प्रदर्शनी का, जो हम हर बार सोचते थे और नहीं करते थे, कि हमें लगता था कि हम कैसे करेंगे, बट आज ये पहला प्रयास किया और लोगों की उत्सुकता देखकर मुझे ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। और कोशिश ये रहेगी कि आगे हम और भी अगले आने वाले सालों में इसको और अच्छे जोर शोर से कोशिश से और अच्छी तरीके से कर सके, क्योंकि ये तो हमने बहुत कम टाइम में प्लानिंग किस उद्देश्य को लेकर ऐसे आप लोगों ने आयोजन किया? ये मेनली इसलिए कि अभी कोरोना काल में देखते हुए कि सब घर पे रहते थे और घर को लाइवली बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप रहते हैं वो वातावरण आपका सुंदर होना चाहिए, आपको जहाँ ब्रीदिंग करते हो, आप जहाँ सांसें लेते हो, वो आपको बहुत ही सुंदर वातावरण मिलना चाहिए। मेन उस उद्देश्य से किया है। और आजकल सभी को अपने घर सुंदर रखने का, सजाने का बहुत शौक है। और जैसे मैं देखती हूँ कि सब सुंदर सुंदर प्लांट लगाते हैं, सब चाहते हैं, तो हम उनको थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि रेगुलर वेराइटीज़ के अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज़ होते हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं कि हमने कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स साथ में रखे हैं, जो हमने खुद घर पे इसमें मैं कहना चाहूँगी कि इसमें मैंने खुद इसमें रोज़ 4 से 5 घंटे टाइम देती हूँ, और सारी चीज़ें हेल्थ को देखते हुए पूरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, केले, पके केले जो आप पेड़ पर पके हुए देख सकते हैं उनसे, वो वैरायटी है। एंड ये पिछले बार भी मैंने जो किया था धनिया, जो लोग जानते नहीं है, मैं उन्हें बता दूँ कि 5 फीट का धनिया भी मैंने सिर्फ गोबर खाद से उगाया है। तो ये सिर्फ जागरूक करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा हेल्थ की तरफ अपना फोकस करें, अपना ध्यान सभी जितना जल्दी जागे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पैक्ड फूड की तरफ हम इतना आगे जाते जा रहे हैं। और ये कोरोना काल में एक बहुत अच्छी सीख मिली है सबको कि घर की चीज़ों का यूज़ करो, जितना सात्विक भोजन कर सको उतना ही आपका मन भी सात्विक रहेगा। तो मेरा उद्देश्य वही है कि सादा खाइए, सात्विक खाइए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। नवपारा राजन से कृष्णा मिश्रा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।